सबसे पहले मैं आज मीडिया के माध्यम से ये जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे जो कैंप लगा है, इसका मैं डिप्टी कमिश्नर जोरी श्री विकास कुंडल जी और हमारे जो अभी नए सीएमओ आए साहब आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया निशारा की तमाम सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की तरफ से और जो डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सारे कैंप का मैं आपको बताऊं कि यहाँ ब्लॉक दिवस था, डिप्टी कमिश्नर रजौरी आए हुए थे और जिला रजौरी की हैंडीकैप एसोसिएशन के प्रधान हमारे बीच में मेरे बड़े भाई विनोद शर्मा जी ने जब इस आवाज़ को उठाया, हमने भी इसका समर्थन किया कि यहाँ से लाम लड़ोका पुखनी ढींग स्याल मतलब झंगड़ भवानी शेर मकड़ी जहाँ से 70-70 किलोमीटर दूर से लोग जो है यहाँ पर आए हैं और अगर इनको रजौरी जाना पड़ता तो समझ लो इनको 100-100 किलोमीटर का सफर करना पड़ता। तो आज बड़े खुशी का मुकाम है हमारे लिए कि उन डीसी साहब ने और सीएमओ साहब ने हमारी ये बात सुनी और यहाँ पर ये कैंप लगाया। आप देख रहे हैं कि इतने लोग मजबूर थे कि एक एक आदमी को चार चार बंदों ने उठा के लाया और यहाँ पर उनका जो ये सर्टिफिकेट बना, अब उनकी जो क्योंकि एक गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला जिसके लिए अब जो हैंडीकैप पेंशन थी उसके लिए इनकी ये वेरिफिकेशन जो थी बहुत जरूरी थी। इन लोगों को नहीं तो रजौरी जाके धक्के खाने पड़ते थे। आज इनका यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस सुविधा का इस फायदा लिया है और जो लोग रह गए हैं उसके बारे में भी हमने सीएमओ साहब से बात की है, उनका भी यहीं पर जो अबल तो ये जब तक ये खत्म नहीं होता ये कैंप बंद नहीं होगा, अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो उनके लिए फिर से यहाँ पर कैंप जो है वो लगाया जाएगा, ऐसा सीएमओ साहब ने हमें आश्वस्त किया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब विकास कुंडल साहब का धन्यवाद प्रकट करूंगा। नौशहरा में 2-3 महीने पहले एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पे मैंने ये मांग रखी थी कि सर जिला राजौरी में जो मेडिकल बोर्ड लगता है वहां हजार हजार बंदा इकट्ठा होता है, मेरे एलओसी नौशहरा के खेतर चाहे वो लाम लड़ोका पुखरनी किलादराल से लोग जाते हैं राजौरी में और राजौरी में लंबी लाइनें होने के कारण महीने में 10 चक्कर लगाते हैं तब भी उनका काम बारी आएगी तो लगेगा। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनका भी और सीएमओ राजौरी का भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं और बीएमओ नौशहरा डॉक्टर चंद्र जी का जिन्होंने यह ऑर्गेनाइज किया और एडीसी करतार चंद सिंह जी का। और मैं मुझे गर्व है कि यहां पे आप जो भीड़ देख रहे हो दिव्यांगों की, इनको लंबी लाइनों में राजौरी जाकर ये दिव्यांगता पत्र करने पड़ते थे। आज यहां मेडिकल बोर्ड की टीम आई है, मैं उनका भी शुक्र गुजार करता हूं, खास करके जो जाकर जी हैं टीम के हेड हैं और चेतन शर्मा जो कंप्यूटर पे बैठता है वो 4 बजे के बाद रात 9 बजे तक भी कंप्यूटर में लोगों की सेवा करता है, ऐसे लोग सराहनीय लोग हैं। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब का यह धन्यवाद प्रकट करता हूं और सीएमओ राजौरी का कि आपने 11 मार्च को भी कैंप सुंदरबनी में लगाया था दिव्यांगों के लिए। ये रश देख के मुझे लग रहा है कि आज एक दिन में ये लोग इनका असेसमेंट नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जरूरतमंद लोगों की मजबूरी को देख के जैसे आपने पहले यहाँ पे कैंप लगाया, अगर हो सके तो इस कैंप को आप बढ़ाएं। और इसके साथ ही मैं सामाजिक कार्यकर्ता जिला प्रशासन नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन
और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, खास करके डिप्टी कमिश्नर राजौरी, जिन्होंने सीएमओ राजौरी को और उन सब स्वास्थ्य विभाग के जो जहां टीम नियुक्त की गई, उन सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप देख रहे हैं लंबी भीड़, और मैं, मुझे गर्व है कि जो लोग राजौरी नहीं जा सकते और आज नौशहरा में वो अपने प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये मैंने वहाँ पे अनाउंस किया था, तो मैंने सुंदरबनी हमने करवा दिया और बहुत अच्छा था। आज इशारा था जो बात मैंने कही है ग्राउंड लेवल पे वो पूरी भी है कि नहीं, रोड से बैठ के पता नहीं चलता। चंदर जी जो हमारे दोनों साहब हैं, जो यहाँ पे स्टाफ है, बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने संभाला एक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे, ये हर बार आपके डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे, उनसे भी सबने ये बात की थी हमारे रोहित जी ने, पर बहुत बड़ी एक आप आए हैं कैंप के मुताबिक, लेकिन जहाँ एल ओ सी एरिया है 30 किलोमीटर जाने में लगता है और 30 किलोमीटर आने में पुखरनी लास्ट कलाल के बॉर्डर के ये लोग यहाँ जब पहुँचते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ENT और जो आंखों का सर्जन है ना सर, उसकी पोस्ट क्रिएट करने के लिए हर बार काम करना, जब तक पोस्ट क्रिएट नहीं होगी तब तक हम कैसे उनको छोड़ में चाहेंगे कि यहाँ पे दे दो, कैसे दे दो। तो सर्जन सर यहाँ पे यहाँ से वेकेंट पड़ी हुई है और डिपार्टमेंट के पास डॉक्टर